मैजिकल जेसीबी रोबोट आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट। जंगल से तबाही मचाते हुए एक राक्षस गांव में घुस आता है। राक्षस डरावनी आवाज निकालकर सबको डरा देता है। गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। राक्षस अपनी भूख मिटाने के लिए गांव के पालतू जानवर खाकर वहां से वापस जंगल चला जाता है, जिस वजह से गांव में एक ही हाहाकार मच जाता है। तब सारे गांव वाले मिलकर सतीश के पास आते हैं। अरे सतीश, अब तू ही हम सबको इस राक्षस से बचा सकते हो। देखना उसने क्या हाल कर दिया है गांव का, और ऊपर से जानवरों को भी मार कर खा गया। ठीक है, तुम सब चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके उस राक्षस को खत्म कर दूंगा। तब सतीश सारे गांव वालों को दिलासा देकर घर भेज देता है। दरअसल सतीश एक रोबोटिक इंजीनियर था। उसने पहले भी गांव वालों को रोबोट की मदद से बचाया था, इसलिए गांव वाले सतीश के पास आते हैं मदद मांगने के लिए। तब सतीश एक आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट बनाता है। वो उस आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट से जंगल में जाकर उस राक्षस से मुकाबला करता है, पर आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट की ताकत उस राक्षस से कम पड़ जाती है। तब सतीश अपने रोबोट को लेकर वापस अपने लैब में आता है और सोचता है, मेरा आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट तो उस राक्षस से कमजोर निकला। राक्षस से लड़ने के लिए और भी पावरफुल रोबोट की जरूरत है, लेकिन ऐसा पावरफुल रोबोट कहां से बनाऊं? तब सतीश अपने लैब में सोचते हुए बैठ जाता है। वो राक्षस हर रोज गांव में घुसकर तबाही मचाकर जानवरों को खाकर जंगल जाता है। उसका आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। गांव वाले सतीश से बहुत ही नाराज हो जाते हैं। उधर शहर में कुमार नाम के एक पागल साइंटिस्ट ने एक मैजिकल जेसीबी रोबोट बनाया था, पर वो रोबोट लोगों के भलाई के लिए नहीं था, वो भी शहर में तबाही मचा रहा था। लेकिन जब ये बात सतीश को पता चलती है, तब वो सोचता है, अरे ये पागल कुमार भी ना कोई गलती कर बैठता है हर वक्त, और उसकी गलती की सजा लोगों को भुगतनी पड़ती है। यहाँ वो राक्षस और उधर शहर में जेसीबी रोबोट, दोनों ने नाक में दम कर रखा है। सतीश उस मैजिकल जेसीबी रोबोट के बारे में सोचता रहता है। तब अचानक से उसके मन में एक आइडिया आता है। अरे वाह, ये हो सकता है, क्यों ना उस राक्षस और जेसीबी रोबोट को ही एक दूसरे से लड़वाया जाए। यस, इससे सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी। दोनों भी एक दूसरे से लड़के मारे जाएंगे और गांव वाले भी खुश हो जाएंगे। सतीश ऐसा सोचकर वो तुरंत शहर चला जाता है। वहां जाकर वो उस जेसीबी रोबोट के सामने आता है और उसे उकसाते हुए वो कहता है, अरे ये क्या मासूम लोगों पर अपनी ताकत दिखा रहे हो, अगर हिम्मत है तो मेरे गांव में आकर राक्षस से लड़कर दिखाओ। सतीश की यह बात सुनकर मैजिकल जेसीबी रोबोट गुस्से में आता है और वो सीधा सतीश के पीछे उसके गांव चला जाता है, जहां पर पहले से ही वो राक्षस तबाही मचा रहा था। तब मैजिकल जेसीबी रोबोट उस राक्षस के सामने आता है और उसे ललकारने लगता है। तब राक्षस रोबोट को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तब वहां सतीश अपने आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट के साथ आ जाता है। तब एक गांव वाला कहता है, अरे ये सारे के सारी मुसीबतें हमारे गांव में ही क्यों आ रही है, अरे सतीश रोको उन दोनों को। हाँ हाँ भैया, मैं भी तो यही चाहता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ और फिर देखना ये दोनों कैसे एक दूसरे से लड़कर खत्म कर देते हैं। शहर और गांव की मुसीबत एक साथ खत्म होने वाली है। राक्षस और रोबोट की लड़ाई जोरों से शुरू हो जाती है। कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, पर लड़ाई करते करते वो दोनों भी थक जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए सतीश अपने आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट से उन दोनों पर हमला कर देता है। आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट राक्षस और मैजिकल जेसीबी रोबोट को देखते ही देखते हमला करके खत्म कर देता है। उन दोनों को मरा हुआ देख गांव वाले भी खुशी से नाचने लगते हैं। उधर कुमार को पुलिस पकड़ लेते हैं और उसे सजा देने के लिए जेल भेज देते हैं। मैजिकल टाइगर गोरिल्ला वर्सेस रोबोट टाइटन मॉन्स्टर। रोबोट टाइटन मॉन्स्टर कुछ दिनों से अजीब सी हरकतें कर रहा था। उसने शहर में आतंक फैलाना छोड़कर जंगल की ओर अपना रुख मोड़ लिया था और हर जगह जाकर तबाही मचाने लगा, जंगलों को बर्बाद करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। अगर जंगल में उसे कुछ ना मिलता तो वो फिर से शहर जाकर तोड़फोड़ करने लगता और लोगों को नुकसान पहुंचाता था। काफी दिनों तक यही सिलसिला शुरू रहा। समझ में नहीं आ रहा, आखिर इसे चाहिए क्या?
इसे रोकना तो अब नामुमकिन सा हो गया है। पता नहीं ये और कितनी बर्बादी फैलाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी को ढूंढ रहा है। बस किसी भी तरह उस पर नजर रखो और लोगों को उससे दूर रखने की कोशिश करो। हम जल्द ही उसे रोकने का तरीका ढूंढ लेंगे। टाइटन मॉन्स्टर एक बार फिर से शहर में आ धमका और एक पुरानी खंडहर जैसी इमारत को घूरने लगा। आखिरकार उसने उस इमारत को भी अपने शक्तिशाली हाथों से तोड़ना शुरू कर दिया। कान फोड़ने वाली आवाज के साथ वो उस इमारत को तोड़ने लगा कि तभी उस इमारत के अंदर से किसी के दहाड़ने की आवाजें आने लगी, जिसे सुनते ही टाइटन मॉन्स्टर बुद्ध बनकर खड़ा हो गया और उन आवाजों को पहचानने की कोशिश करने लगा कि तभी किसी चीज ने ही अंदर से उस इमारत को बम की तरह उड़ा दिया और वो चीज दहाड़ते हुए बाहर निकल आई। वो एक जादुई टाइगर गोरिल्ला था। उसका काला शरीर तो गोरिल्ला का था, लेकिन उस पर बाघ की तरह पीले पट्टे बने हुए थे। बाहर आते ही उसने हल्की सी चुटकी बजाई और देखते ही देखते वो टूटी हुई बिखरी इमारत फिर से पहले जैसी बन गई। टाइटन गोरिल्ला कहने लगा, कई सालों से मैं यहाँ शांति से सोया था, लेकिन तुमने आकर मेरी नींद हराम की है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गोरिल्ला की ये बात सुनकर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर कहता है, मेरे जैसे कई रोबोट्स को मारकर तुम यहाँ चैन की नींद सो रहे हो, ये मैं नहीं होने दूंगा। आज मैं तुम्हें यहाँ खत्म करने आया हूँ। उन दोनों की ये बातें सुनकर एक आदमी कहता है, अबे अब ये नया प्राणी कौन है और ये मॉन्स्टर उसे खत्म करने की बात क्यों कर रहा है? दरअसल मैजिकल टाइगर गोरिल्ला एक सुपर हीरो था जो रोबोट टाइटन मॉन्स्टर जैसे विलन का सफाया करता था। कई सालों पहले उसने ऐसे कई रोबोट टाइटन मॉन्स्टर को जड़ से मिटाकर रख दिया था। उसे लगा था उसने सारे टाइटन मॉन्स्टर का खात्मा कर दिया है, इसलिए वो कई सालों की नींद पूरी करने के लिए उस खंडहर में जाकर सो गया। पर ना जाने कहां से रोबोट टाइटन मॉन्स्टर वहां आ गया और वो अपना बदला पूरा करने के लिए मैजिकल टाइटन गोरिल्ला को हर जगह ढूंढने लगा। उसे पता था वो इसी शहर में आसपास कहीं मिलेगा। तभी मैजिकल टाइगर गोरिल्ला कहता है, तुमने मेरे शहर का काफी नुकसान किया है, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम बस देखते जाओ मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो गया। रोबोट टाइटन मॉन्स्टर पूरी ताकत के साथ टाइगर गोरिल्ला पर हमला करता, पर वो बड़ी आसानी से उस वार को खाली कर देता। पर अभी इतने सालों तक सोए रहने की वजह से उसकी शक्तियाँ काफी कम हो चुकी थी। उसे अपनी शक्तियाँ रिचार्ज करने की जरूरत थी। चुटकी बजाते ही वो गायब हो गया। टाइटन मॉन्स्टर को लगा कि वो डर के भाग गया है। उसे ताने मारकर वो उसे वापस बुलाने लगा और लड़ने के लिए उकसाने लगा कि थोड़ी ही देर में टाइगर गोरिल्ला उसके सामने फिर से प्रकट हो गया और उसके हाथों में सुनहरे रंग के चमकदार केले थे। वो केले उस गोरिल्ला को ताकत देते थे। टाइटन मॉन्स्टर की आंखों के सामने गोरिल्ला ने उन केलों को हजम कर लिया। अचानक उसकी ताकत पूरी तरह से वापस आ गई। डर मत, मैं तुम्हें मारने से पहले कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तो बस लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। इस तरह गुस्से से गुजरता हुआ रोबोट टाइटन मॉन्स्टर गोरिल्ला की तरफ आगे बढ़ा और अपने हाथ में रखे हथियार से उस पर वार कर दिया। लेकिन अब गोरिल्ला पूरी तरह से तैयार था। उसने हवा में ही टाइटन मॉन्स्टर के हाथ पकड़ लिए और उसे उछालकर पटक दिया। दोनों काफी देर तक लड़ते रहे। अगर गोरिल्ला चाहता तो अपनी जादू की चुटकी बजाते ही उस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर देता, पर उसे उस मॉन्स्टर को अपने जादू से ही नहीं अपनी ताकत से तड़पाते हुए मारना था। आखिरकार गोरिल्ला ने उस मॉन्स्टर को सिर से पैर तक बीचों बीच चीर कर रख दिया और उसके दो टुकड़े कर दिए। अरे इसने तो बड़ी आसानी से उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, लेकिन अब क्या हमें इससे उलझना पड़ेगा? डरो मत इंसानों, मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं, तुम्हारा रक्षक हूँ। मैं फिर से किसी सुरक्षित जगह सोने जा रहा हूँ, पर हाँ, अगर कभी तुम पर मुसीबत आन पड़े तो मुझे दिल से याद करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगा। अलविदा।
टाइटन मॉन्स्टर को वहीं पर छोड़ मैजिकल टाइगर गोरिल्ला चुटके बजाते ही गायब हो गया। उसके जाते ही सब लोगों ने चैन की सांस ली और बड़े ही मुश्किल से उससे रोबोट टाइटन मॉन्स्टर के शरीर से छुटकारा पा लिया।